माइनक्राफ्ट 1.18 को आए हुए 7 महीने हो चुके हैं, बट आज हम केव और क्लिप्स की बातें नहीं करने वाले हैं। तो फाइनली माइनक्राफ्ट 1.19 रिलीज हो गया है। इससे ज्यादा तो वार्डन भैया का इंतजार था। चलो कोई नहीं, इसका पार्ट 1 रिलीज हो गया है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ मस्त मस्त चीजें जो इसमें ऐड की गई हैं 1.19 के अपडेट में। इस अपडेट का नाम माइनक्राफ्ट वाइल्ड अपडेट रखा गया है। वाइल्ड के मतलब के लिए तो तुम जरा ये फोटो ही देख लो। इसका ट्रेलर तो काफी ज्यादा है धांसू तरीके से रिलीज हुआ है भाई, कतई रोंगटे खड़े कर दिए। ट्रेलर में जो वार्डन को दिखाया गया है वो काफी ज्यादा डरावना दिखाया गया है, खास करके जो एले है जो कि वोटिंग से आया था। एंड वार्डन के पास तुम्हें एक खास चीज दिख रही होगी जो चमक रही है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करते हैं। एंजॉय द वीडियो। नंबर 7, पहले माइनक्राफ्ट के अंदर सिर्फ काउस थी, फिर गोट आ गई एंड अब की बार तो हद ही कर दी भाई, कतई फ्रॉग ही लिए। फ्रॉक्स को ऐड तो कर दिया गया है पर तुम इन्हें टेम नहीं कर सकते हो, तुम्हें लीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब क्या ही फायदा हुआ, फ्रॉक्स तुम्हें पता ही है ऊंची ऊंची छलांगों के लिए जाने जाते हैं और ये अप टू 8 ब्लॉक साइट तक जा सकते हैं और इनके पास हमारे जितने ही पूरे पूरे 10 हार्ट होते हैं। अब इसमें भी वैरायटी ना डाले माइनक्राफ्ट तो ऐसा हो नहीं सकता। ये तुम्हें 3 कलर में देखने को मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कौन सी बायोम में तुम ढूंढने जाओगे। जो ऑरेंज वाला है वो हर जगह पे मिल जाएगा, व्हाइट वाला है वो तुम्हें डेजर्ट वाले में मिलेगा और जो ग्रीन कलर का है वो तुम्हें ठंडी जगहों पे मिलेगा। वैसे तो फ्रॉग एक पैसिव मोब है बट ये स्लाइम्स को मार के स्लाइम बोल में कन्वर्ट कर देता है, बड़ी वालों को नहीं सिर्फ छोटे वालों। अरे यार इस चक्कर में मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज तो बताना भूल ही गया, ये फ्रॉग्स जो है वो मैग्मा को मार के फ्रॉग लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। हर एक फ्रॉग एक अलग तरह की फ्रॉग लाइट ड्रॉप करता है एंड अगर तुम इन फ्रॉग लाइट्स को आइस में रखोगे तो ये आइस को भी मेल्ट कर देती हैं। ये 3 तरह की फ्रॉग लाइट ड्रॉप करते हैं, पर्पल, ग्रीन एंड येलो। एंड इन फ्रॉग लाइट का यूज तुम रात को अंधेरे के लिए यूज कर सकते हो। फ्रॉग्स को मारने पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला बट तुम्हें इन्हें स्लाइम बोल की मदद से ब्रीड करवा सकते हो जो कि तुम्हें एग्स देने वाले हैं। इन एग्स को वाटर में रखने पर अराउंड 20 मिनट्स के अंदर ये टेडपोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और टेडपोल को तुम एक वाटर बकेट के अंदर ले सकते हो। पहले बचपन में तो यार मैं सोचता था कि ये मछली के बच्चे हैं एंड मैं इनको पाल लिया करता था, फिर बाद में पता चला था कि भाई ये तो मेंढक है। तुमने भी क्या अपने बचपन में ये किया था जरूर बताना। तीनों फ्रॉग लाइट कलेक्ट करने पे तुम्हें एक ये नई एडवांसमेंट देखने को मिल जाएगी। नंबर 6, मड ब्लॉक। ये एक नया ब्लॉक ऐड किया गया है। वैसे तो ये तुम्हें सिर्फ मैंग्रोव स्वाम्प बायोम में देखने को मिलने वाला है। डर्ट को मतलब कोर्स डर्ट हो, रेड डर्ट हो या फिर कोई भी डर्ट हो नॉर्मल, उसको तुम एक वाटर बॉटल में ऐसे पानी डाल के उसको मड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो फटाफट इसकी कुछ क्राफ्टिंग रेसिपीज देख लेते हैं। मड और मैंग्रोव रूट्स को लेके तुम मडी मैंग्रोव रूट्स बना सकते हो और मड और वीट को लेके तुम पैक्ड मड बना सकते हो। इस पैक्ड मड को तुम बाकी आगे कंबाइन करके एक ब्रिक टाइप में बना सकते हो, मड ब्रिक, एंड उसका तुम घर बना सकते हो जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिखने वाला है। इन मड ब्रिक्स की तुम स्लेव्स बना सकते हो, स्टेयर्स बना सकते हो, वॉल्स बना सकते हो एंड तुम अपना घर भी बना सकते हो इससे। पर शायद ये सब इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, पर अगर तुम एक ब्लॉक के नीचे ड्रिफ्टस्टोन लगा के उसके ऊपर मड रखते हो तो वो क्ले में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ तुम इससे क्ले फार्म भी बना सकते हो। जब भी हमारा कैरेक्टर मड ब्लॉक पे चलेगा तो वो हल्का सा सिंक भी हो जाएगा। 5th, तो एक नया बायोम भी ऐड किया गया है जिसका नाम है मैंग्रोव स्वाम्प बायोम। इसके अंदर विलेजेस स्पॉन नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे जो विलेजर्स होंगे वो ग्रीन कलर के कपड़े से पहन के रखते हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई विलेजेस स्पॉन नहीं होंगे पर तुम यहाँ पे स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल से की मदद से तुम एक ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करके एक मैंग्रोव स्वाम्प वाले विलेजर में कन्वर्ट कर सकते हो। इन पेड़ों की सेपलिंग भी थोड़ी सी अलग है, इसका नाम मैंग्रोव ओपेग्यूल है और इसको तुम पानी और लैंड दोनों पे ही उगा सकते हो। इसके अंदर जो लीव्स और रूट्स हैं वो भी काफी अलग तरीके की है और जो वुड मिलने वाली है वो भी काफी अलग तरीके की है। इस वुड से तुम सारी चीजें बना सकते हो पर मुझे ये वुड देख के कुछ याद आ रहा है। बोलो जुबा केसरी। हाँ भाई वही वही याद आ रहा था भाई। नंबर 4, वैसे तो माइनक्राफ्ट में हमेशा अपडेट के नाम पे कटता ही है, इस बार एक अमेजिंग चीज डाली गई है, वो है चेस्ट विद बोट। हाँ अब हम बोट और चेस्ट को दोनों को कंबाइन करके और इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। इसको बनाना काफी ज्यादा आसान है, तुम्हें एक बोट चाहिएगी और एक चेस्ट चाहिएगी और क्राफ्टिंग टेबल में रखते तुम्हारी बोट विद चेस्ट बन जाएगी। इसको तुम लेके पानी में कहीं पे भी घूम सकते हो और अपना सामान लेके ट्रेवल कर सकते हो। इस चेस्ट को ओपन करने के लिए तुम्हें स्नीक करना पड़ेगा एंड तुम इजीली इसको ओपन कर सकते हो। नंबर 3, माइनक्राफ्ट वाइल्ड अपडेट में एक नई सिटी भी ऐड की गई है जिसका नाम है एंसियर सिटी और ये वाइल्ड लेवल 52 पे देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे वार्डन के स्पॉन होने की जगह भी है। इसमें जो तुम्हें एक बड़ा सारा जो पोर्टल टाइप में दिख रहा है यहाँ पे, ये एक डीप स्लेट का बना हुआ है जिसको हम ना ही कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही तोड़ सकते हैं और ना ही
इसको मूव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप में है और हो सकता है कोई अपडेट में इसको एक पोर्टल टाइप में बना दे या फिर कोई एक नई सिटी टाइप में ऐड किए जाए जिससे हम सिर्फ इसी की मदद से जा सकते हैं। बाकी एंसर सिटी में तुम्हें काफी ज्यादा लूट देखने को मिल जाएगी। तीन चीज जो मेन है वो है इको शार्ड, डिस्क फ्रेगमेंट और स्नीक एंचेंटमेंट। ये तुम्हें एंशिएंट सिटी से ही मिलेंगी, इनके बारे में हम बात आगे करेंगे। यहाँ पे तुम्हें रेडस्टोन की कुछ वायरिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी और साथ ही में वार्डन का स्पॉन पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज तुम एज ए घर भी कर सकते हो, मतलब जिन लोगों को घर नहीं बनाना था भाई वो यहाँ भी आके रह सकते हैं वार्डन भैया के पास में। यही कुछ जो हमें एंशिएंट सिटी से मिली है इनकी मदद से तुम रिकवरी कंपास बना सकते हो। इस रिकवरी कंपास का यूज ये होने वाला है कि जैसे ही हम डेथ होगी हमारी उसके बाद में हम इसकी मदद से उस पॉइंट पे जा सकते हैं जहाँ पे हमारी डेथ हुई थी एंड हम हमारा सारा सामान कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी बार हम ये पॉइंट और कोऑर्डिनेट भूल जाते हैं कि जहाँ पे हमारी लास्ट डेथ हुई थी, बाकी इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। एंशिएंट सिटी से तुम्हें कुछ ये खास डिस्क फ्रेगमेंट भी मिल जाएंगी जिसकी मदद से तुम एक डिस्क बना सकते हो और उस डिस्क से कुछ ऐसी आवाज आती है। बाकी तुम खुद चला के सुन लेना। आज से पहले हम जब भी चलते थे तो क्या होता था कि स्नीक करके चलते थे तो बहुत धीरे धीरे चलते थे एंड काफी ज्यादा समय लग जाता था। तो अब की बार एक नई एंचेंटमेंट ऐड की गई है जिसका नाम है स्नीक एंचेंटमेंट और ये सिर्फ तुम्हें एंशिएंट सिटी के अंदर ही मिलेगी और इसको सिर्फ तुम हमारी पैंट पे लगाओगे तो ही ये काम करेगी, अन्यथा ये काम नहीं करने वाली है। जैसे ही मैं एंचेंटमेंट लगा लेता हूँ कतई फ्लैश की आत्मा आ जाती है अपने अंदर और तुम इसको वॉकिंग के बराबर चल सकते हो शिफ्ट करके भी, और इससे तुम्हें बिल्डिंग ब्लॉक वगैरह में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। नंबर दो, अले जो कि एक नया मूव ऐड किया गया है वोटिंग के थ्रू, इसका जो नेचुरल पॉइंट है वो है पिलेजर आउटपोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ में वुडलैंड मेंशन में भी काफी ज्यादा भरे रहेंगे। ये एक से तीन ग्रुप में आपको स्पॉन हुए मिलेंगे। ये एज ए सर्वेंट वर्क करने वाला है, जैसे कि मैंने इसको कोई चीज दे दी तो ये वो चीज अपने पास होल्ड करके रखेगा एंड एक स्टैग तक रख सकता है ये कोई भी चीज को, एंड फिर जब भी हमें चाहिए तो हम नोट ब्लॉक में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमें वो चीज दे देगा हमारे पास आके। इसको तुम भी कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें कुकीज दिएगी और उसकी वजह से तुम इसको टेम करके और अपने साथ में रख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये घूमता फिरता हमारा सर्वेंट है। इसकी रेडियस 48 ब्लॉक तक है जिसके बाद में ये इतनी दूर जा सकता है अगर हम इसे टेम कर लेते हैं तो। नंबर एक, अब बात कर लेते हैं हम वार्डन के बारे में। वार्डन जो कि इस अपडेट का पूरे का मेन कैरेक्टर है, ये तुम्हें डीप डार्क केव्स में देखने को मिल जाएगा एंड एंशिएंट सिटी के पास पे भी होता है एंड तुम्हें पता नहीं है तो इसके पास तकरीबन 500 हर्ट्स होते हैं जो कि डबल है एक एंडर ड्रैगन के पास 200 हर्ट्स ही होते हैं। इसको मारने पे तुम्हें स्कल कैटलिस्ट मिलेगा एंड इसको मारने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा तुम्हें, क्योंकि अगर तुम एक नेदरराइट का फुल आर्मर भी पहन के रखोगे तो भी इसके एक हिट में मर जाओगे। वैसे तो वार्डन अंधा है पर जो इसके आसपास जो स्कल सेंसर लगे हुए हैं इसकी मदद से उसको पता चल जाता है कि हम कहां पे हैं। जैसे ही हम कोई हलचल करते हैं तो स्कल सेंसर स्कल श्रीकर को सिग्नल भेजता है एंड इसमें जो तीन तरीके के सिग्नल निकलते हैं इसकी मदद से जो लास्ट में जो तीन रिंग वाला सिग्नल होता है इसके बाद में वार्डन स्पॉन होता है एंड अगर थोड़ी देर बाद तक हम कोई हलचल नहीं करते हैं तो वार्डन अपने आप जाके दोबारा सो जाता है। एक स्कल श्रीकर के 48 ब्लॉक के एरिया में सिर्फ एक ही वार्डन स्पॉन हो सकता है। जो स्कल कैटलिस्ट जो तुम्हें मिलने वाला है वार्डन को मारने पे उसका यूज तुम कुछ इस तरीके से कर सकते हो, अगर इसके आसपास में तुम 8 ब्लॉक्स तक किसी भी मॉब को मारते हो तो वो एक तरह के नए ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर तुम इन्हें कलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि एक्चुअल में वो तुम्हारी एक्सपी है। जैसे ही तुम कलेक्ट करने जाओगे तो तुम्हें एक्सपी मिल जाएगी, एक्चुअल में कोई ब्लॉक नहीं मिलने वाला है। लास्ट बात कर लेते हैं, वार्डन के पास एक खास चीज़ है वो है वार्डन का हार्ट